सिंगल प्रेगनेंसी की अपेक्षा ट्विंस में तीन गुना पोषण की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि दोनों बेबी को चाहिए होती है एंड माँ के लिए भी जरूरी होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको बहुत ज्यादा मात्रा में खाना है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपको खाने की क्वालिटी पे ध्यान देना है, ना कि उसकी क्वांटिटी पे ध्यान देना है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ट्विंस प्रेगनेंसी की जो पहली तिमाही होती है उसमें आपको लगभग 300 कैलोरी एक दिन में लेनी चाहिए एंड दूसरी तिमाही इसमें आपको जो है दिन भर में 680 कैलोरी लेने की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको जरूर लेनी चाहिए एंड तीसरी तिमाही दिन भर में आपको कम से कम 900 कैलोरी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें सही कैलोरी इसलिए बोला जाता है कि जब आप सही मात्रा में कैलोरी लेंगी तभी आपके बच्चे का अच्छे से विकास होगा एंड अच्छे से डेवलपमेंट होगा एंड आपकी भी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी हो जाएगी। और आपको ध्यान रखना है ये जो भी मैं आपको कैलोरी बता रही हूँ वो आपको हेल्दी खाने से लेनी है, ना कि अनहेल्दी चीजों से लेनी है। मैं आपको यहाँ पे जो है कुछ मात्रा क्लियर करूंगी कि आपको कौन सी चीज कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि आपको लगभग पूरे दिन में कितना खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। आपको अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ानी होगी। प्रोटीन के जो भी सोर्सेस होते हैं आप उनमें जो है वैरायटी काफी सारी रखें, ताकि आप जो है एक ही चीज खाने से बोर ना हो। ट्विंस प्रेगनेंसी में आपको दिन भर में लगभग 70 से 100 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जिसे आप दाल, दही, दूध, सोयाबीन, नट्स, टोफू, योगर्ट, आप इन चीजों से इनकी पूर्ति कर सकती हैं। और एक बार ध्यान रखें, दही और दूध अपनी डेली डाइट में शामिल करें और बाकी चीजें आप बदल बदल के लें। एंड अब हम बात करते हैं आयरन की। ट्विंस प्रेगनेंसी में जो है एनीमिया का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एनीमिया मतलब बॉडी में खून की कमी हो जाना, बिकॉज दो दो बेबी को ब्लड मिलता है, जिस वजह से माँ की शरीर में ब्लड की कमी होने लगती है। और जो आयरन होता है वो आपको जो है प्री मेच्योर डिलीवरी एंड हाइपरटेंशन एंड एनीमिया इन सारी चीजों से बचाता है। ट्विंस प्रेगनेंसी में दिन भर में लगभग माँ को जो है 30 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है, जिसकी पूर्ति आप जो है अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप रेड मांस भी ले सकती हैं। पालक, अनार, नट्स, फोर्टिफाइड एंड अनाज, आयरन की जो आपको टेबलेट दी जाती है, इन सभी चीजों का आप सेवन करके अपनी जो बॉडी में आयरन की मात्रा पूरी कर सकती है। और आप कोशिश करें कि आप अपनी डेली डाइट में आयरन की टेबलेट डेली लें एंड दूसरी बात दो अनार आप डेली खाएं, इससे आपकी बॉडी में आयरन की पूर्ति होती रहेगी। अब हम बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो माँ की हड्डियों और दांतों के लिए एंड बच्चे की हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको अपनी बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति करना बहुत जरूरी होता है। तो दिन भर में जो कैल्शियम की डिमांड होती है वो 1500 से 2500 मिलीग्राम तक बढ़ जाती है, तो इसलिए आपको कैल्शियम बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है एंड आपको कैल्शियम की टेबलेट, पालक, भिंडी, दही, दूध, केला, ये सारी चीजों का सेवन जरूर करें, इनसे आपको जो है कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलेगा। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बॉडी में ग्लूकोज की कमी पूरी करता है, जिससे कि बच्चे को पर्याप्त एनर्जी मिल सके, इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट भी लेना बहुत जरूरी होता है। एंड आपको ट्विंस प्रेगनेंसी में दिन भर में कम से कम 300 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की डिमांड बढ़ जाती है, जिसे आप ब्रेड, आलू, पास्ता, चावल एंड अनाज, इन चीजों का सेवन करके बिल्कुल पूरा कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं फॉलिक एसिड। देखिए, फॉलिक एसिड का काम होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में जो रीढ़ की हड्डी एंड जो मस्तिष्क में जन्म के समय जो विकार पैदा होते हैं तो उनको दूर करने का काम करता है। और अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें तो डॉक्टर के अनुसार ट्विंस प्रेगनेंसी की अलग अलग तिमाही में अलग अलग मात्रा में फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल मात्रा बता दूं तो आपको जो है दिन भर में 1000 मिलीग्राम फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है, जिसको आपको जरूर लेना चाहिए, जिसको आप जो है पालक, सतावरी, संतरा एंड ग्रेपफ्रूट एंड चकोतरा का सेवन करके पूरा कर सकती हैं। एंड अब हम बात करते हैं नमक और फैट की। तो आपको प्रेगनेंसी में नमक की मात्रा को बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं रखना है, आपको सही मात्रा में नमक का सेवन करना है। और आप जो है प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी फैट का भी सेवन कर सकती है, बट बहुत ज्यादा मात्रा में ना करें। जो फैट की जो डिमांड होती है वो 120 ग्राम तक डेली बढ़ जाती है, जो कि आपको जरूर पूरा करना चाहिए। और आप फैट की पूर्ति के लिए बादाम, अखरोट, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल एंड अलसी के बीज और सोयाबीन, एवोकाडो, इन चीजों का सेवन करके पूरा कर सकती हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, डॉक्टर द्वारा जो आपको सप्लीमेंट दिए जाते हैं, कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, विटामिन सी, आपको इन सप्लीमेंट का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप
एक संतुलित आहार लेती हैं, फिर भी बॉडी में जो है कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं उन विटामिन्स की कमी को पूरा करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। ट्विंस प्रेगनेंसी में आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है एंड सही क्वांटिटी में। और आपको जो है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, आपको दिन भर में 10 गिलास पानी का सेवन जरूर करना है। और आपको बिल्कुल भी हेल्दी डाइट इग्नोर नहीं करनी है। जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया कि हर डाइट का एक अपना ही अलग ही महत्व होता है, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।